सतगुरु जी बख्शी कर दे के देख लो यहां कौन फिरो सका सुत ने सार तोर तब सब दूर करी है देंगे तनदार। पर जीव सोचता तो बहुत कुछ है, सोचता बहुत कुछ है अपने आप वास्ते कला बैठा भी कि जीव कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मेरा आ बन जाए मेरा वो बन जाए मेरा सब कुछ बन जाए। तिया पुत्र मेरे हम कारोबार मेरा है सब कुछ मेरा है और मेरा मेरा करता रहता है। हम सतगुरु जी कहते भाई ये तेनू अपना कदों लगेगा जब तेनू बगाना कदों लगेगा अपना कारोबार कदों लगता जदों साडे शरीर दे विच जान है प्राण है परमात्मा दी रूह साडे शरीर विच वस रही है उहदा वासा है जिन्ना जिक्र उन्ना जिक्र ये घर बार कोठियां कारां धीआं पुत्तर उन्ना जिक्र अपने सतगुरु जी कहते देख तो तिहां कौन तेरो सगा तो सत ने सार कहते तू वेखता सही कर तेरा इस संसार में अपना कौन है कि अपना कौन है तू घर कहना घर की दूर की गल है घर तो बहुत दूर की गल है कि घर मेरा है मेरी कोठी है मेरी कार है यह बहुत दूर की गल है कहते इतों तक तेरा पुत्र तेरी स्त्री भी देख तो यहां कौन तेरो सगा सगा तक सगा कि तेरा अपना कौन है सुत नहीं सार उनका पुत्र कहते तेरा पुत्र अते तेरी स्त्री भी अंत वेले तेरे सहाय नहीं होंगे कहते तेरे सारे ही संगी साथी तेरे मरण ते तेरे नालों संबंध तोड़ लेंगे ते तेरे शरीर में भी अगर बेटा कर देंगे ते तू केड़ी मैं मेरी तरफ जाऊंगा केड़ी कितना जगह मेरी है मैं मेरी तरफ फसा हुआ जीव आखदा मेरे कोठी है मेरे पार है मेरी कार है मेरा कार है मेरा परिवार है ते जिहड़ी बाणी है वो डराउंदी नहीं सानू इत्थे कोई डराया जा रहा किसी नूं जां कह लो कि भाई तुहानूं वहमां दे विच पाया नहीं सतगुरु जी समझा रहे कहिंदे बाणी तिखे तीर मार दे तैनूं इक ना लगे मना मेरे कि जिहड़ी बाणी है उह तिखे तीर मारदी है भाव सानूं समझाउणा करदी है कि भाई समझ जाओ तोर तक सब दूर करे तोर तंग सब दूर करें कि सारे रिश्तेदार भैन भरा दूर कर देंगे कि अपने आप को जो इस शरीर के जो प्राण निकल जाते कहते बाहर विहड़े के पा दिता जाता कहते जिड़े कमरे के अपना बाहर कट लीए शरीर में जो प्राण निकल जाते हैं वो उस कमरे के द्वारा नहीं ले जाते नहीं भाई इन बाहर रखो अंदर ना नहीं अंदर नहीं लैके आना वो भैन भरा कहते तिया पुत्र डरते पुत पुत बन के दौड़ते सिर्फ उदाहरण के तौर पर सतगुरु जी बख्शी करते घर की नार पूरे धन लागी औरतों बोध बुद्ध कर पागी एक उदाहरण है भी घर की नार है वो घर की नार का मतलब कि घर का सारा परिवार तिया पुत्र भैन भरा रिश्तेदार सारे करकी नार पूरे तन लगी बहुतों बहुत कुछ कर बगे कहते जो ये शरीर को अगर पेटा भी रिश्तेदार ने कर दिता तिया पुत्र ने अगर पेटा भी कर दिता कहते बाद कितने दो चार बार सुपने के बच्चे आ जाए तो कहते रिश्तेदार भैन भरा कि बन्न करा दे करकी नार पूरे तन लगी बहुतों बहुत कुछ कर बगे कि भाई यह बंधन करा दो सू तो डरा है। एक माता पिता अपने बच्चे लिए सारी उम्र अपनी जिन्नी चिकर जान है उन्नी चिकर उन्होंने दुआव मंगता कदे परिवार वास्ते कदे माड़ा नहीं सोचता
चाहे कोई भी होवे, भैन भरा चाचा ताया कोई भी होवे, कदे नहीं माड़ा सोचता। भावे हुंदा साडे इक दूसरे दे विच मन वड्डा होणगे, पर कदे भी जेकर आपां देखिए गुरु घर साहिब सुणो जो हुंदा चाहुंदा, ते कोई कदे नहीं चाहुंदा कि इन्हां दा कोई माड़ा होवे किसी दा। सतगुरु जी कहिंदे दहेंगे तन जात, दहेंगे तन जात दा मतलब कि तेरा जिहड़ा शरीर आ उहनूं भी अग्ग लपेटा कर देणगे। प्राण गए कहो कौन देख, ते प्राण गए कहो कौन तेरा देख, सोच विचार बहुत एकल काल माही जीत पाउंदा। हुण सतगुरु जी बाणी दे उदाहरणा दे के ही सानूं समझा रहे हैं, कहिंदे हे भाई तू अपने अंदर इस गल की सोच विचार करके देख ले, चंगी तरह सोच ले, विचार कर ले कि तेरा इत्थे अपना कौन है, मलाना कौन है। सतगुरु जी कहते समझाना करते हैं, प्राण गए कि जो इस शरीर के विचों प्राण निकल गए, जान निकल गई, कहते उस वेले देख सोच विचार तेरा कौन इत्थे है। ये जिहड़े आपां कह दिंदे ना गुरु पहले साहिब सुन जीओ, घर मेरा परिवार मेरा सारा पगल कर दे। सतगुरु जी कहते मोहर एक अलंकार मही जीत पावे, कहते जदों इस शरीर के विचों प्राण निकल गए उस वेले तेरे नाल किसने जाना है, कहते सोच भाव उस वेले परमात्मा के नाम तो बिना तेरे नाल किसे ने भी नहीं जाना। ते जदों इस शरीर के विचों प्राण निकल गए कोई नहीं जाता, भाई मंद कुटुंब सहेला कोई भी ना गए कोई भी आन के ये नहीं कहता कि इन रख लो दो दिन, इन रख लो चार दिन, कोई नहीं कहता। शरीर कहते कितने बजे करना अपना संस्कार शरीर का, किन्ने बजे करना है उन्ने बजे आ जाते सारे, फिर सारे रल मिल के उस शरीर का संस्कार करते। सतगुरु जी कहते भाई तेनों अनेक प्रकार एक नहीं अनेक उदाहरणा दे के बाणी के राही महापुरुषां ने संतां महापुरुषां ने समझा दिता है। पावन पुत्र अमृत बाणी ग्रंथ के हिसाब के नाल तैनूं समझा दिता है कि इस कलयुग विच जीवन सफल करन लई अनेकां प्रकार नाल तैनूं समझा दिता, भावे हुण तू परमात्मा का नाम जप के इस संसार की बाजी जित लै, ते भावे परमात्मा के नाम नूं बुला के यह बाणी जिहड़ी सानूं समझा रही है कि तू भावे हुणे अपनी जिंदगी की बाजी हार लै, यह तेरे अपने हथ वस विच है। आपां जिंदगी दे विच देखदे गुरु प्यारे साहिब सुण जीओ, माता पिता अपने बच्चे नूं स्कूल लगाउंदा है, जदों बच्चा जिद करदा कि मैं स्कूल नहीं जाणा, ते माता पिता उस बच्चे नूं दबकदे है। कई बार आप देखते हैं आप बच्चे मार कुट के भी स्कूल नहीं छड़ के आने, क्यों छड़ के आने आपको मार कुट के, कि भाई उसकी जिंदगी बन जाए, स्कूल दे विच पढ़ लेके वह चंगा अपना जीवन बतीत कर सकूगा, उहदे आने वाले भविख वास्ते आप किस तरह करते हैं, ना चाहते हुए भी उन्होंने दबका मारते हैं, अपने धी पुत नूं आप दबका मारते कि भाई तू स्कूल दे विच जा पढ़ लेके अपना नाम अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसे तरह सतगुरु जी सानूं बाणी दे राही समझा रहे हैं कि भाई अपना जिहड़ा साडा जीवन है वह किवें सफल करना है, किस तरह असीं अपनी जिंदगी नूं होर वधिया तरीके दे नाल जी सकते हैं। सतगुरु जी कहते कि तेरे अपने हथ वस विच है, तूं इह बाजी जिहड़ी बाजी है वह जित लै चाहे हार लै। ये माया सब दुखनी में भक्त को प्रतिपार, कह रविदास सब वचन गुर कह सो ना जीत विसार। हे भाई परमात्मा दे नाम सामने
इस संसार की माया झूठी है, ये माया सब धोती ने भक्तों प्रतिपा के संसार की माया है वो परमात्मा के नाम के अगे झूठी है। इसलिए भाई तू परमात्मा की प्रेमा भक्ति अपने हिरदे के अनुसार ते जिहड़ी प्रेमा भक्ति है वो अपने हिरदे दे विच वसा लै। सतगुरु रविदास महाराज कथन करते कि परमात्मा बुलाउण वाले हुण परमात्मा बुलाउणा किवें है, सतगुरु जी कहिंदे गुरु दे वचनां नूं हुण आपां बाणी पढ़ रहे हां बाणी सुन रहे हां, सुनण दा भाव है सतगुरु जी कहिंदे वचनां नूं सरवण करके हुण आपां बाणी पढ़ रहे हां सुन रहे हां। रविदास ये ग्रंथ है, सतगुरु जी कहते ये ग्रंथ ऐसा है पढ़े सुने मन लाए, कहते जरा जी पढ़ता है सुनता है मन ला के सभी पदार्थ मिलेंगे, सारे पदार्थ इहदे विचों मिल जाने हैं, सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब भरपाई कि जिहड़ी सानू वरदान चाहिए आपां मंगदे दियां पुत्र भैन भरा कोठियां करां असीं अरदासां दिंदे आ रहे हां, कहते सारा कुछ ये मिल जाना नालों नाल तुहाडा जीवन भी सफला हो जाना जो सेवा सिमरन कमाई करते हैं। कहते परमात्मा बुलाउण वाले गुरु के वचना अपने हिरदे के अंदरों तू ना भुला, सगो उन्होंने उपर चल के अपना जीवन सफला कर। सो गुरु प्यारे साथियों अज के शब्द में सतगुरु जी यही सानू समझा रहे हैं कि भाई ये जो जीवन है बार बार नहीं मिलना, एक बार मिल गया दोबारा नहीं मिलना, ये जड़ा दिन बीत गया जड़ा अज का दिन कल ही आप सवेर तो लैके हूं तक जो दिन बीत गया अभी कही कि साड़ी जिंदगी दोबारा आ जाए आप भावे सारी दुनिया की धन दौलत मार के रख दीए जरा जिदा दिन बीत गया साढ़े द्वारा आ जाए कदम द्वारा नहीं आना, जरा बीत गया समा बीत गया। इस करके गुरु पहले साहब समझो सेवा सिमरन कमाई करके अपना जीवन सगला करिए और गुरु के बचना अपने हिरदे के संभालिए जो आने वाला समा सारे वास्ते खुशियां भरावे। यही अरदास सतगुरां दे चरणां च करिए। जय गुरदेव, धन गुरदेव जी।